इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए और आगे चल के और ज्यादा मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट रॉक सॉलिड है और यहाँ कैरेबियन में वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स के थ्रू ही आप आगे चल के डोमिनेट कर सकेंगे। खासतौर पर जहां सेमीफाइनल भारत खेलेगा गयाना में, वो टर्नर है, उन्होंने टीम एक बना के लाए हैं है। वो ओपनर्स नहीं, आप देखिए उनके बाकी जो बैट्समैन है वो कैसे मैच लेके चल रहे हैं, वो 196 भी करके देते हैं। सूर्य कुमार हमारे कभी पांड्या चल जाता है, बुमराह तो आप देखिए हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे, यही होता है टीम वर्क। तो मेरे ख्याल से इसलिए कामयाबी है, नंबर वन टीम है। कितने दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड टी20 जीतने में? मैं आपको सच्चाई से बताऊं कि क्रिकेट को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। आपने इंडिया का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा होगा, अफगान बैटर्स किस अंदाज से रिप्लाई करने के लिए गए थे। आज भी उन्होंने भी अपने रन रेट को 16-17 पे पहुंचा दिया था और उनकी 3 विकेट गिरे थे। आज इनके भी 3 विकेट गिरे थे, इन्होंने रन रेट को 16 पे पहुंचा दिया था। मकसद आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? सारे इनके जो प्लेयर्स हैं ये अपने सही तो एक तरह से सुपरस्टार्स हैं, मगर इनमें जो लगन है ना टू इम्प्रूव एवरी डे और किस तरह से एक गुड डिसीजन मेकिंग है और गेम अवेयरनेस है, इसलिए ये रिलैक्स लॉट है, क्योंकि ये समझते हैं कि स्कूल के बच्चों से हम खेल रहे हैं। इतना ज्यादा डेवलप मॉडल है ये शेर है ना, मतलब सही बोलूं या गलत बोलूं, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। पूरी कोशिश भी तो की थी वर्ल्ड कप जितवाने की इंडिया ने अपनी टीम को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर ना सिर्फ मैच हराया था बल्कि कप के ऊपर पैर रख के भी बैठ गए थे। ऑस्ट्रेलिया वालों, विराट कोहली, रोहित शर्मा अपनी फॉर्म पे आ गए, आज उन्होंने हल्की सी रेड लाइट जला के अपनी झलक दिखा दी है। आप लोग डर जाओ, खुडों में वरना तो वर जाओ। जो मोड साहब देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहल में एक्सीलेंस अचीव किया ना। खेल अब नाकाबले यकीन हद तक जो है ना वो इंडिया को फेवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है परसों जो मैच खेलेगा, जो ये सुपर एट का शेड्यूल बना है, इंडिया जो परसों मैच खेल रहा है वो सेंट लुशिया में खेल रहा है। सेंट लुशिया वो कंडीशन है कि जो सबसे ज्यादा स्पिनिंग कंडीशन है वेस्ट इंडीज के अंदर, सबसे ज्यादा गेंद टर्न लेता है। मैं तो कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए उन्होंने तैयारी की है। आज तो एक बच्चों के साथ प्रैक्टिस मैच था, उन्होंने इंडिया वालों ने बताया कि इंडिया क्रिकेट का बाप है और हमेशा बाप ही रहेगा। दोस्तों तो दोस्तों कल भारत बांग्लादेश को हराकर डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि आखिरकार बांग्लादेश भारत के सामने घुटने कैसे टेक दिए, जबकि शुरुआत में बांग्लादेश काफी जबरदस्त खेला। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाया, खास करके जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने पूरी तरीके से इनकी कमर तोड़ डाली, और बैटिंग में क्या हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 50 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो भी टीम में फॉर्म में चल रहे हैं। नसीम भाई अगर हम देखते हैं तो इंडिया अफगानिस्तान से भी जीत चुका है, इंडिया जो है वो बांग्लादेश से भी जीत चुका है, तो इंडिया तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया मेरे ख्याल से। यार शेरी भाई ऐसा लगता है कि बस चंद दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड टी20 जीतने में। मैं आपको सच्चाई से बताऊं कि क्रिकेट को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। आपने इंडिया का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा होगा, अफगान बैटर्स किस अंदाज से रिप्लाई करने के लिए गए थे। आज भी उन्होंने भी अपने रन रेट को 16-17 पे पहुंचा दिया था और उनकी 3 विकेट गिरे थे। आज इनके भी 3 विकेट गिरे थे, इन्होंने रन रेट को 16 पे पहुंचा दिया था। मकसद आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? एक बड़ा एक दोनों ममालिक ने जो क्रिकेट खेली है, जैसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, हमारे बैटर्स चांस लेने नहीं गए, मारने नहीं गए, तो ये क्रिकेट कौन सी हो रही है? मैं एक बात बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखे ना, मार्क बुचर अगर ये बात कह रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि इंडिया का सेमीफाइनल किस वेन्यू पे होगा, किस दिन होगा। जब शेड्यूल बना था ना तो ये डिसाइड था, उन्होंने कहा कि अगर ये हो गया तो मेरे लिए ये नाकाबले यकीन होगा, और ये खेल अब नाकाबले यकीन हद तक जो है ना वो इंडिया को फेवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है परसों जो मैच खेलेगा, जो ये सुपर एट का शेड्यूल बना है, इंडिया जो परसों मैच खेल रहा है वो सेंट लुशिया में खेल रहा है। सेंट लुशिया वो कंडीशन है कि जो सबसे ज्यादा स्पिनिंग कंडीशन है वेस्ट इंडीज के अंदर, सबसे ज्यादा गेंद टर्न लेता है। यानी हमारा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में छोटे ग्राउंड में रख दिया जाता है कि मारे जाओ गोरे आके, और अपना मैच वो रखते हैं ऐसी जगह पे कि जहां पर उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल रही हो। देखिए इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए और आगे चल के और ज्यादा मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट रॉक सॉलिड है और यहाँ कैरेबियन में वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स के थ्रू ही आप आगे चल के डोमिनेट कर सकेंगे। खासतौर पर जहां सेमीफाइनल भारत खेलेगा गयाना में, वो टर्नर है, तो उस लिहाज से परफेक्ट कंडीशंस हैं भारत के लिए टू गो एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल। इंच किया हुआ था उनको यूएसए की लेग में, यहां आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं, अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है। बहुत सारी टीम्स का टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है, और ये छोटी ग्राउंड्स भी हैं स्पिनर्स के लिए, यहाँ बॉलिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल भी है, कभी अगेंस्ट द विंड करनी पड़ती है आपको बॉल, कभी विद द विंड, और फिर विद द विंड अगर आप लपेटे में आ जाएं तो मिस हिट भी छक्का हो सकता है। तो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना, 3 विकेट्स लिए उन्होंने, और आगे चल के
बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे यहाँ वेस्ट इंडीज कंडीशंस में, क्योंकि कंडीशंस इनके बिल्कुल माफिक हैं। वो नहीं चल रहे, रन तो आज किए ना उन्होंने, एक मोमेंटम तो बना के देते हैं ना, 40 रन किए हैं, 39 रन बनाए, एक आउट हुआ, 23 रन किए 11 बॉलों पे, लेकिन उन्होंने टीम एक बना के लाए हैं, वो ओपनर्स नहीं। आप देखिए उनके बाकी जो बैट्समैन है वो कैसे मैच लेके चल रहे हैं, वो 196 भी करके देते हैं। सूर्य कुमार हमारे कभी पांड्या चल जाता है, बुमराह तो आप देखिए हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे, यही होता है टीम वर्क। तो मेरे ख्याल से इसलिए कामयाबी है, नंबर वन टीम है और अच्छी परफॉर्मेंस और 196 रन बैक टू बैक, तीन आउट हुए हैं। तो विराट कोहली यानी दो कलीदी किरदार, मतलब विराट कोहली तो पोस्टर बॉय है ना इंडिया के क्रिकेट का, बल्कि दुनिया के क्रिकेट का। रोहित शर्मा कप्तान है, शाकिब के अलावा मेरे ख्याल से दूसरा खिलाड़ी है जिसने सारे टी20 वर्ल्ड कप खेले हैं, रोहित शर्मा ने, ठीक है ना, रोहित शर्मा तो वो नहीं चलते तो भी बाकी टीम उठा लेती है ना। तो यहाँ हमारे डिस्कशन क्यों नहीं आता कि यार बाकी टीम के लड़के भी कुछ करें ना, भाईजान 11 लोगों की टीम है, दो की थोड़ी है। आप जितने वर्ल्ड कप खेला विराट कोहली नंबर 3 खेला है, आप एकदम से उसको ओपन करवाएंगे थोड़ा कंफ्यूज होगा, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो नंबर चेंज होता है तो कंफ्यूज होता है। और अब मेरे ख्याल से हर वर्ल्ड कप में हर मैच में विराट कोहली ने तो नहीं ठेका लिया हुआ कि मैंने करके देना, बाकी प्लेयर करके टीम से भी किसी ने नहीं लिया, लिया हुआ ना उन्होंने, टीम ऐसी ऐसी बिल्ड की है तो फिर ले ना जिम्मेदारी, ले करके दे। विराट कोहली के स्टैट्स देख लें, अपने के देख लें, बाकी मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से टीम बना के भेजे ना कि बाबर और रिजवान ना चले, बाकी प्लेयरों पे जिम्मेदारी आए तो वो मैच तो सिलेक्शन वाली बात, सिलेक्शन भी बात आ गई। सारे इनके जो प्लेयर्स हैं ये अपने सही तो एक तरह से सुपरस्टार्स हैं, मगर इनमें जो लगन है ना टू इंप्रूव एवरी डे और किस तरह से एक गुड डिसीजन मेकिंग है और गेम अवेयरनेस है, इसलिए ये रिलैक्स लॉट है, क्योंकि ये समझते हैं कि स्कूल के बच्चों से हम खेल रहे हैं, इतना ज्यादा डेवलप मॉडल है ये। और इसके पीछे जो है ना वो चीजें देखने वाली हैं, जहां पे आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और जहां पे कोचेज हैं क्लब वालों के, और किस तरह से मैं एक दफा बॉम्बे की सड़क से गुजर रहा था, रेड लाइट पे 30 मिनट के लिए मैं रुका, उनका आजाद मैदान है, और ये मैं बहुत दफा बात कर चुका हूं कि 7-8-10 साल के बच्चे जो है उनके नेट्स लगे हुए थे और कोचेज जो है उनको सिर्फ ओवर डिफेंसिव शॉट सिखा रहे थे, बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, और बेसिक्स पे काम करते हैं तो फिर ही फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोर्चा आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। बिल्कुल, दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो काफी इससे भी इंटरेस्टिंग पोजीशन में आ चुका है। जैसा हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने कल इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड ने पहले विक्ट्री हासिल की वेस्ट इंडीज से, अब वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ वो बहुत क्रूशियल है, और आप उधर मौजूद भी हैं, आज सुबह भी आपने एक मैच में कमेंट्री कर रहे थे, आप उस पूल को कैसे देखते हो और क्या लगता है रमीद भाई कौन सी दो टीमें आपको ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन में शेप में नजर आ रही और क्वालिफाई कर सकती है? देखिए दोनों ही ऑन द डे अपॉइंट कर सकती हैं, दोनों ही ऑन द डे बेस्ट टेकिंग क्रिकेट खेल सकती हैं। मैं तो कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए उन्होंने तैयारी की है, आज तो एक बच्चों के साथ प्रैक्टिस मैच था, उन्होंने इंडिया वालों ने बताया कि इंडिया क्रिकेट का बाप है और हमेशा बाप ही रहेगा। टीम इंडिया ने 5 में से 5 की स्ट्रीक लगा दी, बांग्लादेश को भी हरा दिया, कौन हराएगा इंडिया को? भाईजान आज इस तरह कुलदीप चला ना, मुझे तो लगता था आज का डे जो है ना वो बुमराह का होने वाला है, लेकिन बुमराह ने कहा यार मेरा रोज डे ही होता है यार, आप लोग भी कुछ करो, ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है। उन्होंने जिस तरह अपने यंग गन्स को तैयार किया यार, आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले तो हम इंडिया को मुबारकबाद देते हैं जिस आज का मैच उन्होंने विन किया, तो आप कह रहे हैं 5वां मैच जीत गया, इन्होंने 6वां मैच भी जीत जाना है, ऑस्ट्रेलिया से इजीली जीत जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देने वाली है, पर इंडिया की जिसमें बॉलिंग अटैक है वो सबसे बड़ी बात यह है कि आज विराट का बल्ला भी चल गया, रोहित शर्मा का भी चल गया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस शानदार जीत को लेकर भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को हराया है, 50 रनों से हराना कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने प्रदर्शन दिखाया, ओपनिंग काफी जबरदस्त हुई, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करके आउट हुए, उसके बाद ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने क्या शानदार इनिंग खेली, आप सबने देखा ही होगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज इस समय रिधम में चल रहे हैं, पूरी तरीके से वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का दावेदार लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा भारत का मुकाबला, वो काफी ज्यादा डिसाइड करेगा कि भारत का मतलब कंडीशन किस तरह है इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत ये सब छोटे मोटे टीमों से जीत कर सेमीफाइनल तक पहुंच गया। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान वाले वर्ल्ड कप में 9 जून को हारे, उसको ये भूल गए कि हम कितने छोटे टीम थे जो भारतीय टीम हरा गई। लेकिन जिस तरह से कल बांग्लादेश को भारतीय टीम ने हराई, पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया था, क्योंकि 190 प्लस बनाना मतलब काफी ज्यादा टफ हो जाता है चेस करने के लिए, और बांग्लादेश के बल्लेबाज पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए, इसलिए भारतीय टीम ने शानदार जीत करके 50 रनों से जीता इस मैच को, और आपको बता दें कि सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी
और बल्लेबाजी चल रही है पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा कल भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।